वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी करियर को रियून कर डाला एक ऐसी कंपनी के अंदर जाकर जो कंपनी एक इररेलेवेंट कंपनी है और WWE सुपरस्टार्स के नाम पर सिर्फ फेम और अपने आप को सिर्फ वो लोग एस्टैब्लिश करना चाहते थे, बट अभी भी फ़िलहाल भी वो भी अभी भी डाउनफॉल पे चल रहे हैं, बट फिर भी उनका कुछ फ़ायदा नहीं है। बट वैसी कंपनी के अंदर एक WWE का बेहतरीन सुपरस्टार जो कि WWE का पिलर माना जाता था, उसने अपना करियर एक तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर फ़ैन हो और AEW की बुराइयाँ सुनने में अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कुछ बातें करने वाला हूँ AEW के बारे में। तो AEW के फैंस अगर डिसअपॉइंट फील करते हो, अच्छा नहीं लगता भाई बुराई सुन के, तो ठीक है यहाँ पर छोड़ दो, अभी वीडियो छोड़ दो यहाँ पर, बाकी चल लेते टॉपिक पे आते हैं। सो डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो 2019 के अंदर उनको बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट WWE की तरफ से ऑफर हुआ था, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको यहाँ पर WWE के अंदर रहना नहीं था। WWE के रूल्स उनको उस टाइम के पसंद नहीं आ रहे थे, जो कि फेयर भी है कि भाई उस टाइम पर हाँ ठीक है यार, मतलब कंपनी उस तरीके की नहीं थी। विंस मैकमैन के कुछ अजीबोगरीब रूल चलते थे जिसकी वजह से विंस मैकमैन के इन सारे रूल्स को वो फॉलो नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने कंपनी को लीव करना सही समझा और कंपनी छोड़ दिया। फिर उस टाइम पे जो कंपनी नहीं बन रही थी ऑल एलीट रेसलिंग, उसकी अच्छी खासी हाइप थी जिस वजह से उसको ज्वाइन करना उन्होंने सही समझा, बट फिर भी ठीक ठाक था उस टाइम पे जो हाइप थी उस हिसाब से, वो हाइप के हिसाब से वो कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि भाई शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा खासा जॉन मॉक्सली को ट्रीट किया गया, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा उनको जैसे स्टोरी लाइन चाहिए थी, जिस तरीके से वो परफॉर्म करना चाहते थे वो सारी चीज़ें उनको मिल रही है, अभी भी मिल रही है, मतलब चीज़ें वैसी तो मिल रही है, बट जिस तरीके से जॉन मॉक्सली का कैरेक्टर, जिस तरीके से उनको लेकर लोग सोच रहे थे कि भाई जॉन मॉक्सली काफ़ी अच्छा खासा उसमें देखने को मिल सकता है, बट वो चीज़ें हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली की तरफ से नहीं देखने को मिली। बस जॉन मॉक्सली के मैचेस के अब बेसिक रूल क्या रह चुके हैं, बेसिक रूल यही रह चुके हैं कि भाई वो सारे मैचेस के अंदर सिर्फ अपना खून बहाना जानते हैं फालतू के। और इवन रिसेंटली मैंने एक शो देखा था जिस शो के अंदर सिर्फ कम से कम कितने 50-60 लोग रहेंगे, मुश्किल से 50-60 या 70 लोग, उस शो के अंदर भाई जॉन मॉक्सली अपना पूरा खून वून निकाल कर, एकदम ब्लड व्लड निकाल कर काफ़ी ब्रूटल मैच दे रहे हैं। कोई सेंस बनाता है भाई, मतलब तुम बड़े स्टेज पे एक टाइम पे परफॉर्म करते थे जहाँ पर 40-50 हज़ार लाखों में क्राउड आते थे वो देखने, वहाँ पर अच्छे खासे मैचेस देते थे, वहाँ पर अगर खून ये सब करते तो भाई बढ़िया लगता था कि हाँ बंदा भाई कुछ बड़ी चीज़ें कर रहा है, बट ऐसी कंपनी के अंदर जाकर जहाँ पर 50-60 लोग हैं वहाँ पर परफॉर्म करना लिटरली भाई उस बंदे का डाउनफॉल बता रहा है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब इंडी सर्किट के अंदर खतरनाक वाला सीन देखने को मिल रहा है जॉन मॉक्सली का। NJPW के अंदर कभी कभी परफॉर्म करते हैं तो भाई वो ठीक है क्योंकि वो तो एक मेजर रेसलिंग शो है जहाँ पर हमें काफ़ी ब्रूटैलिटी देखने को मिलती है, वहाँ पर ठीक है भाई वो चीज़ें चलती है, बट AEW के अंदर भी उतनी क्राउड नहीं देखने को मिलती, मुश्किल से लोग 1000-2000 टिकट फिलअप कर पाते हैं या फिर वो भी नहीं कर पाते, हाँ उतना भी नहीं हो पाता। फिर भी इन लोग का जो एक आधी शो अगर बाहर करवा दिया लाइक लंदन में, तो WWE सुपरस्टार्स के हाइप के तौर पर वो लोग सुपरस्टार्स मतलब थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि 50-60 हज़ार तो मुश्किल से इतने मतलब क्राउड आ जाती है, बट अगर USA के अंदर की बात करें तो इनके पेपर व्यू के जो क्राउड होती है वो भी मुश्किल से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4000-5000, अगर तुम टिकट सेलिंग रसल टिक्स तुम चेक करोगे तो वहाँ पे तुम्हें क्लियरली देखने को मिलेगा ये लोग कितने टिकट्स बेच पा रहे हैं। और WWE के मिनिमम रॉ स्मैकडाउन के 9-10 हज़ार टिकट जो कि बिक जाते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि भाई WWE कहाँ पे थी और कहाँ पे है। अभी भी उसका भी मतलब उतना बहुत बड़ा पीक वाला मोमेंट तो चल नहीं रहा, बट फिर भी यहाँ पर अच्छे खासे रेसलर परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ अच्छे खासे यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रही है HHH के इस टाइम पे, इस एरा में। बट WWE के अंदर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद AEW के अंदर अगर आप नज़र मारोगे तो वहाँ पर भाई रेसलर्स की क्या स्टोरी लाइन चल रही है, बंदा क्या परफॉर्म कर रहा है, कुछ नहीं ठीक भाई, कुछ फ़ायदा नहीं और कुछ समझ में भी नहीं आता। तुम एक दो बार देखोगे फिर उसके बाद शो छोड़ दोगे, वैसे ही चीज़ देखने को मिलता है। अब AEW के जो स्मार्क्स ऑडियंस है जो कि अमेरिकन स्पेशली ज़्यादा करके है, तो उनको तो भाई वो पता नहीं कैसे चीज़ें अच्छी लगती है, बट अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए वो वहाँ पर वो चीज़ें देखते हैं, AEW के प्रोडक्ट की अच्छाई करते हैं और WWE के प्रोडक्ट की बुराई करते हैं। सेम यही चीज़
भाई मैं अभी प्रोडक्ट की बात तो ठीक है भाई, AEW ऐसा कर रही है, AEW ऐसा कर रही है, वो तो ठीक है, बट भाई इन लोगों का क्या मेन टारगेट रहता है कि भाई फोटोज़ अगर कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कोई जो वीडियोज़ बनाता है इनके लिए, इनके इनके मतलब एक तरीके से जो भी शो ये लोग दिखा रहे हैं उसको लेकर अगर कोई वीडियो भी बना दिया तो भाई उनके इमेजेस तक पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं, क्लेम नहीं करते, डायरेक्ट स्ट्राइक, ख़त्म कर दो कहानी। ये कुछ चीज़ें भी देखने को मिलती है जो कि लिटरली एक वाहियात चीज़ देखने को मिलती है। तो ऐसे शो के अंदर, जिस शो के अंदर तुम्हारी कोई भाई बात न कर पाए सुपरस्टार्स की, चाहे वो जॉन मॉक्सली हो चाहे वो कोई भी हो, डीन एम्ब्रोस हो, मैं डीन एम्ब्रोस के लिए वो शो देखता था, बट उस बंदे के लिए भी देखने के बावजूद भी अगर फोटोज़ यूज़ करो तो स्ट्राइक पड़ जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं एक भी फ़ोटो यहाँ पर AEW का यूज़ नहीं करने वाला, यही रीज़न है कि भाई ये लोग स्ट्राइक मार देते हैं और फिर चैनल यहाँ पर डिलीट होने के कगार पे आ जाता है। दो स्ट्राइक मेरे चैनल पे पड़े हैं, पड़े थे, अभी ख़त्म हो गए हैं 25 जुलाई को, क्योंकि 25 अप्रैल को पड़ा था, तो अभी तो एंड हो चुका है, बट फिलहाल चैनल फ्री हो चुका है, बट फिर भी थोड़ा बहुत रीच डाउन था, डाउन रहेगा अभी थोड़ा बहुत, और धीरे धीरे हो सकता है अप हो तो बढ़िया रहेगा, बट फिलहाल के टाइम पे यार जिस तरीके से वो कंपनी कर रही है लोगों के साथ में, और फिर रेस्लर्स को, भाई रेस्लर्स भी यहाँ पर फ्री होना चाहते हैं, जेफ हार्डी जैसे सुपरस्टार्स, मैट हार्डी जैसे सुपरस्टार्स, ये सभी निकलना चाहते हैं उस कंपनी से, और मलाकाई ब्लैक का तो भाई फाइट ही जल्दी नहीं देखने को मिलता, अब उनको भी निकलना है भाई, उनको भी बहुत बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा के रखा है, बट पैसे की लालच भाई, पैसे की लालच दे दे के इनको फंसा के रखते हैं। लाना भी रिसेंटली उन्होंने भी AEW छोड़ दिया, मतलब जो भी सुपरस्टार्स को इन्होंने हायर किया था वो भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी की हालत उतनी अच्छी नहीं है, और वो कंपनी इस तरीके से वो भाई टोनी खान लेके जा रहा है इस कंपनी को, डेफिनेटली उस कंपनी में परफॉर्म करने लायक नहीं है। आई होप सो कि अगली बार जब जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो वो WWE के अंदर आए, ना कि AEW के अंदर वापस से कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करे, बट वो तो उनके मन की मर्जी है, वो करते हैं या फिर नहीं करते हैं, बट ये है कि जब तक उस कंपनी के अंदर रहेंगे ना ही उनके बारे में कोई उतना बात कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉपीराइट स्ट्राइक के लोग मार देते हैं, डाउनफॉल तो कहेंगे ही भाई, जब बंदा उसके बारे में बात ही नहीं करेगा, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेगा तो लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे, और फिर कभी कभी अगर मन नहीं किया उसका WWE के अंदर आने का तो वही हाल हो जाएगा कि भाई एक सुपरस्टार था जो WWE के अंदर परफॉर्म करता था, किसी दूसरी कंपनी में गया, वो कंपनी वहीं बर्बाद हो गई, उसी के साथ वो बंदा भी बर्बाद हो गया। तो आई होप सो कि कभी इन फ्यूचर सोचे जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोस इन सारी बातों को, एंड देन वो WWE के अंदर अपना वापस आने का मतलब प्लान बनाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी देखो यार, थोड़ी बहुत मैंने मन से अपनी बातें बताई, और कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पर AEW जैसी कंपनीज़ की तरफ से देखने को मिलती है उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखा। क्या कहना है इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।